सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देखदे हो इस पंजाब, मैं जिंदी मर जानी। तो अज असीं पहुंचे हुए हाँ एयरपोर्ट लाइट्स के उपर, पटियाला रोड या पटियाला रोड दी जिहड़ी लाइट्स आ उन्हां दे उपर आ। तो पिछे साडे नौजवान आ, यंगस्टर आ, हत्थां दे विच किसानी झंडे फड़े हुए आ। तो आपां नूं इही पता आ कि इह प्रोटेस्ट कर रहे आ, क्योंकि किसानी अंदोलन चल रहा देश भर दे विच। ते जिथे दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते साडे किसान वीर भैणां जाके अपना संघर्ष कर रहे आ, नाल दी नाल उस संघर्ष का हिस्सा बनते हुए यह नौजवान प्रदर्शन कर रहे आ चंडीगढ़ दे विच वी। पटियाला रोड दियां लाइट्स दोस्तों हैगियां आ, जिहनूं आपां एयरपोर्ट दियां लाइट्स भी कह दिंदे आ, क्योंकि एयरपोर्ट दियां लाइट्स दे नां ते वी इह जिहड़ा चौक जाणिया जांदा आ। घुमा के मैं कहूँगी कैमरा मैनूं दिखा दो कि इस चौक दियां तस्वीरां जिहड़ियां आ उह वी, ते साडे नौजवानां दे हत्थां दे विच झंडे जिहड़े लहरा रहे आ किसानी दे रोश प्रदर्शन दे। तो देख सकते हैं दोस्तों ट्रैफिक इस टाइम इस चौक के उत्ते आप कह लिए पूरा हुंदा भरमा, क्योंकि कम्मां कारां तो हट के लोग जिहड़े हैगे घरां नूं जांदे आ। तो यह नौजवान इस टाइम जिहड़े आण के हत्थां दे विच झंडे फड़ के तो अपना रोश प्रगटावा जिहड़ा करदे आ। तो नाल दी नाल एक बहुत ही क्यूट जिही बच्ची साडे नाल आ, सब तो छोटा जिहड़ा हैगा किसान प्रोटेस्ट का हिस्सा है छोटी बच्ची, तो बहुत ही मासूम चेहरा दोस्तों। तो करते हैं अपना हाँ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। किन्ने साल की आ? ढाई साल की है जी। ढाई साल की। तो की रीजन आ कि इहनूं भी गर्मी का मौसम आ, धुप आ, इहनूं भी नाल लैके आए? असी हर रोज़ आते जी धरने से, ये भी देखती है जी, मतलब अपने बच्चे भी घर भी नारे भी मारते हैं, तो भी मेरी जिद कर रही थी कह रही मैं भी जाना है लाइटों से। ठीक है, तुसी जिहड़ा हुण इत्थे एयरपोर्ट जिहड़ियां रोड दियां लाइट्स हैगियां आ, चौक जिहड़ा हैगा पटियाले रोड दा उत्थे खड़े आ, की रीजन आ कि इह तुसी चौक चुणिया? इह इक तां मतलब नैशनल हाईवे पै जांदा जी, इधरों सारी मतलब सारी स्टेटां दे आण जाणा ही है मतलब लोकां दा, ते उहनां तक मैसेज पहुँचदा कि पंजाब च किन्ने मतलब लोग जागरूक हो चुके हैं इह काले कानूनां दे खिलाफ जिहड़ा अपना संघर्ष चल रहा ना। ते दिल्ली भी जाके आए सी असीं, तो इस करके असी लाइटां ते जिथे भी अपने अगर कोई दिल्ली नहीं जा सकता तो अपने नेड़े तेड़े जिथे भी लाइटां ते या कोई इदां दी जगह जिहड़ी चौंक वगैरह उत्ते आपां इह कर सकदे आ, अपना दिखा सकदे आ रोस है जिहड़ा बिलां दे खिलाफ। तुसी कि दिल्ली जाके किहड़े बार्डर ते गए सी? असी सिंघू बार्डर ते गए सी। सिंघू बार्डर ते उत्थे दा माहौल देख के किद्दां दा तुहानूं लगदा? उत्थे मतलब लोकां च पूरा जज्बा है जी। खाल तो साडे दोजी साहब चलते हैं दोस्तों उस वीर को भी, क्योंकि इन्हों की जी आवाज़ हैगी भी आप दिखा लेनी जरूरी आ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। सानू नारे लाने देखे साडा दिल किया कि थोड़े तो भी क्वेश्चन पूछिए। तुसी दुध सप्लाई करते हैं घरों के? मेरा एक्चुअली सोसाइटी का काम है, मैं बेरका दे अंडर मेरा दुध है सर। अच्छा, बेरका दे अंडर थोड़ा दुध है, तो तुसी बेरका नु ही दिंदे हो दुध? की रीजन है कि तुसी भी इस संघर्ष का हिस्सा नारे लाए? मैम देखो किते ना किते साडे नाल धक्का हो रहा है, साडियां जिहड़ियां जमीनां ओह साडे तो खोईयां जा रहीयां ने। इह तकरीबन देख लो मैम किन्ना टाइम हो गया साडे संघर्ष चलदे नू, जिहड़ी सेंटर दी सरकार बैठी है जिहड़े साडे तो कानून जिहड़े थोपे गए ने, इह इक मैडम हुंदे लाए गए ने लागू किते हुंदे, इह साडे जिहड़े कानून है साडे ते थोपे गए ने, इह किते ना किते साडे नाल धक्का हो रहा है। इह सरकार नूं साडी हुण भी गुजारिश है कि इह जिहड़े कानून है मैम इह रद्द करने चाहीदे ने इहनां नूं। हुण साडे किन्ने उत्थे किसान बैठे ने, साडे दिल्ली बैठे ने, उत्थे किन्ने परिवार दे बच्चे बजुर्ग किन्ने दी मौतां हो गईयां, सरकार इस बारे कोई मुद्दा नहीं चक रही। जिहड़े मोदी सरकार है बीजेपी वाले बैठे ने बिल्कुल गुंग पाटे होके बैठे ने, इन्हां नूं एक्चुअली इन्हां दीआं मंगां जिहड़ीआं सुननियां चाहीदियां ने, इह गल नहीं कर रहे मैम। ते जिद्दां तुसीं कहा कि साडे नाल धक्का इक किस्म दा हो रिहा आ, तुसी भी अपने वालों कुछ इदां दे उपराले कर रहे हैं? हाँ जी मैम, मैम एक्चुअली अजीजपुर टोल टैक्स से 9वें महीने तो जिहड़ा धरना लग्या होया है, 9वें महीने की 11 तारीख तो धरना लग्या है मैम, मैं उत्थों 12 तारीख तो लेके अज तक निरंतर उत्थे सेवा कर रहा मैं दुध की, सांझ सवेर जद भी उन्होंने दुध चाहिए मैम मैं उन्होंने दुध दिना, तो होर भी जो मेरे तो हो रही है मैम सेवा मैं वह करता वा। जिदा हुण इह नौजवान हैगी आ अपना जिहड़ा रोस्ट प्रगटावा जिहड़ा कर रहे अपने हक्कां दे लई, दो शब्द इन्हां दे वास्ते? मैम देखो एक्चुअली
जिहड़ा कोई भी हैगा सब अपने कम्मां कारां च बिजी ने, हर कोई अपना घर छड्ड के बाहर बैठा वा। इन्हां नूं बीजेपी सरकार नूं थोड़ा देखना चाहीदा जी। ते बाकी मैं जिहड़े कहिंदे आ ना मैं उड़दा पंजाब या नशेड़ी पंजाब, हुण आ के देखणा साडा पंजाब किद्दां दा है। हुण देखणा हरेक तकरीबन तुसीं मैम चंडीगढ़ जायो 7 बजे तो उत्थे चौंका च खड़े जाते हैं, राजपुरे चले जायो, राजपुरे ITI चौंक है उत्थे खड़े हो जाते हैं नौजवान। अपना जिहड़ा रोश है वह टाइम कढ के अपने कम्मां कारां तो वेले हो गए मैम, ये अपना रोश करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि असी एक हाँ। हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने कम्मां कारां तो भी लेट होवो, बहुत बहुत थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो दोस्तों चलते हैं फिर आप साडे नौजवानों वल, जिन्हां दी खातर आप इत्थे खड़े हुए सीगे, क्योंकि वीर जिहड़ा हैगा प्रोटेस्ट का हिस्सा बनता सीगा ते उहदा वी तुहानूं दिखाउणा जरूरी सी। छोटे छोटे बच्चे जिहड़े हैगे हत्थां दे विच झंडे फड़े हुए आ, तां करदे हां आप गल्लां बातां इहनां दे नाल वी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ते झंडे फड़े हो तुसीं, नारेबाजी कर रहे हां, पता क्यों कर रहे हां? क्यों काले कानून मोदी ने लाए हुए हैं। चौंक है हले तो असी घट आ जी, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਣਗੇ ਲੋਕ ਜੀ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, 5 ਤੋਂ 7 ਮੈਡਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਰਾਊਡ ਲੇਟ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਰੈਲੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਓ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5-5 ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ 5 ਬੰਦੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਛੱਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਲਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ? ਆਪਣਾ ਛੱਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ 7-8 ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
तो फिर रोस प्रगटावे जोड़े है इस क्रांति दे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो असं भी चाहते कि क्रांति आए साढ़े पिछे जोड़े है देख सकते हो कारा दे भी नौजवान जोड़े है वीर जोड़े साढ़े है वह आने शुरू हो गए हैं। तो इदा ही काफिला जोड़ा इन्हों का वधदा जाना शाम तिकर जिदा जिदा भी अपने कम्मां कारां तो फ्री होंगे तो इतने आन आ के अपना जोड़ा है योगदान पाना स्टार्ट करता देख सकते हो आ रहे हैं साढ़े किसान वीर इस प्रोटेस्ट दे विच इस प्रदर्शन दे विच हिस्सा पाउण वास्ते छोटे छोटे नौजवान साढ़े कल का फ्यूचर पंजाब का पंजाब दे नाल नाल आपां इंडिया का भी कहांगे क्योंकि सानू नहीं पता कि पल नूं वड्डे होके इन्हां ने किहड़े प्रांत दे विच जाके किहड़े किहड़े अहुदियां दे उत्ते इन्हां ने जॉब्स करनियां की काम करनियां कल का साडा इंडिया का भविख हत्थां दे विच झंडे फड़े हुए आ रोस प्रगटावे ते अपने हक्कां दे लई आण के धुप गर्मी की ना परवाह करते हुए भी खड़े आ इत्थे आण के इस टाइम दोस्तों तुसीं देख रहे हो लाइव तस्वीर किसानी रोश प्रदर्शन दियां पटियाला रोड तो मासूम बच्चे आ अपने ढंग के नाल अपने दिल के जड़े बलबले कढ रहे ते साढ़े नाल साढ़े बजुर्ग आए आ। हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तुहाडा नाम? गुरपाल सिंह जी। ते तुसी भी छत पिंड तो आ जी? हाँ जी छत पिंड तो आ जी। अपना रोश प्रगटावा एक प्रदर्शन इतने कर रहे हैं लोगों को अवेयर कर रहे हैं पिंड दे विच भी कुछ इदां दा उपराला हैगा आ? पिंड च पूरे पिंड च उपराला जी असीं दिल्ली भी जा रहे हैं ट्रालियां साड़ियां पक्कियां खड़ियां साढ़े अठ बंदे जांदे आ अठ आ जांदे आ एक एक हफ्ते की ड्यूटी लाई भी आ जिहड़ा मतलब हफ्ते बाद बंदे असीं चेंज करते हैं अपने अठ बंदे हफ्ते बाद जांदे आ अठ फिर आ जांदे आ उहनां नूं इक गड्डी च लेके जांदे आ दूजी गड्डी उहनूं नाले ले आंदे आ फिर जिहड़ा दिल्ली दा तुसीं कहिंदे आ किहड़े सिंघू बॉर्डर ते आ जां किहड़े बॉर्डर ते सिंभू बार्डर से असी राशन भी दो तीन बारी दे आए बाकी सब्जियां भी होर हरी सब्जियां मिर्चां अदरक मतलब आटा दाल लकड़ा की ट्राली 100 क्विंटल लकड़ी भी दे आए असी पिंड वालों मतलब पूरा सहयोग है उत्थे किसान धरने नूं बाकी पिंड वासी सारे नाल आ जब तक काले कानून नहीं रद्द होंदे तां पिंड साडा इक मुठ है जी वो मतलब दिल्ली जाऊगा जाऊगा संघर्ष ते भवां एक साल दो साल यानी कि 24 तक इलेक्शन 24 तक आप तैयार हाँ बैठ जिदा हम तुम गल किया कि इलेक्शन तक जेकर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो असी इदा ही डटे रहना हाँ जी। कि थानू लगता कि संघर्ष इदा ही मगिया रहूगा जानू लगता कि जो तो संघर्ष लम्मा हो गया कितने ना कि जाके ये थोड़ा फर्क तो नहीं पैन लगता? नहीं 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 फर्क नहीं पैंता जी। हूँ पहला चप्पर चिड़ी परसों रैली होगा हटिया देखी आपने रैली गए थी असी उस टाइम दिल्ली से हाँ तो उत्थे ना मेरा ख्याल भी 10 किलों के बीच थी कोई मीडिया दिखाता नहीं है क्या करा मोदी का मीडिया सारा होया वा कट्ठा मोदी ने कोई भी नहीं दिखाता 10 किलों के बीच कट था जी इन्नी जनता थी मेरा ख्याल भी 2 लाख के लगभग बंदे थे अज हैगा ज्ञान सागर अज साढ़े पिंड के बंदे 10 गड्डियां पिंड की गई ज्ञान सागर गई भी अज कितने अज ज्ञान सागर है जी ज्ञान सागर ठीक हाँ जी पिंड दियां औरतां जिहड़ियां आ ओह अपना योगदान कितना पा रही हाँ पिंड की औरतां सानू कहिंदियां भी सानू ले चलो साढ़े वास्ते ट्राली एक खड़ाई भी आ प्रबंध नहीं है भी उत्थे जाके बंदे बहन के जनानियां बहन इस करके असीं जनानियां नूं ले नहीं जांदे साढ़े सिर हुंदियां भी असीं भी जाना दिल्ली असीं कहिंदे भी चल असीं ओह बहुत आ सारे बजुर्गां दिल्ली जाओ असीं काम संभालांगियां इत्थे असीं फसल पानी नूं आप देखांगियां इस करके पिंड च पिछे साडे घर दे काम कार जिहड़ियां खेतां गे ओह भी मजदूर राखा करन चाहे आप करन ओह आप कर रहे हैं जिस टाइम
होर तुसीं कुछ कहना चाहोगे जिहड़े इस टाइम तुहानूं देख रहे आ घरां दे विच बैठे आ? आपां कह लईए कि गर्मी दा मौसम आ, एसी ला के पखे ला के जिहड़े घरां दे विच आराम नाल बैठे उहनां नूं की मैसेज देना चाहोगे? असीं वी उत्थे दिल्ली ना अपनीआं ट्रालियां च पखे ला चुके जी, असीं पहले ही लाया इह पखे, 15-20 दिन हो गए असीं पखा लाया सीगे, हुण असीं कूलर ले जाणे की तैयारी च, असीं कूलर ला देणा उत्थे। बाकी संघर्ष तां चलूगा जद तक मोदी ये काले कानून नहीं रद्द करता, जिन्ना संघर्ष लंबा चलूगा उन्ने ही मोदी की जड़ां खोखलियां हो रही। मोदी नूं आने वाले टाइम में कोई सीट भी नहीं मिलनी लोकसभा की, मोदी मुड़का प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं, बीजेपी आऊगी। हाँ चलो बहुत वधिया जी, ते साडे नाल नौजवान होर भी जुड़ चुके दोस्तों, चलते हाँ लैंदे हाँ उन्होंने व्यूज़ जी। आ जाओ जी, आ जाओ तुसीं भी आ जाओ, क्योंकि प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी आ संघना नहीं गा, क्योंकि जो संघ गए तो फिर तो कहिंदे हुंदे आ ना इत्थे खड़न का कोई फायदा नहीं हैगा, क्योंकि आवाज़ जिहड़ी हैगी अपनी उहनूं तुहानूं बुलंद करना, हत्थ दे विच स्पीकर फड़ के जो संघ गए फिर कुछ नहीं हैगा। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तुहाडा नाम? तजिंदर सिंह जी। ते तुसीं वी छत पिंड तों जां होर कित्थों? छत पिंड तों जी। छत पिंड वालिया ने बहुत वधिया उपराला आप कह लिए किया आ इस प्रोटेस्ट नू, इस संघर्ष नू जिहड़ा हैगा आप कह लिए लोकां तक आवाज़ उठाने वास्ते। हाँ जी, हाँ जी। ये झंडे फड़े हुए आ, हाँ जी, इदां दे प्रोटेस्ट तो बिना होर की उपराले कर रहे हैं जिहदे नाल आम पब्लिक जिहड़ी हैगी अवेयर होवे, क्योंकि लेबर तबका जिहड़ा हैगा असीं जिथे जिथे जाने आ सानूं लगदा कि उन्हां नूं बेचारे नूं अद्धे अंकड़ों तो पता ही नहीं देश दे विच हो की रहा। हाँ जी, तो कुछ उन्हां वास्ते तां दे उपराले कर रहे हैं? देखो जी, यही है झंडे झुंडे फड़ के ज़्यादा दिखाई दा, ज़्यादा इदा ही पता लगता है भी कुछ साढ़े हाथ च होवे झंडा है जां वैसे है, पता तो इदा ही लगना जी। हुण आम पब्लिक नूं घेर घेर के तो असीं कह नहीं सकते हैगे भई इदा नहीं तुसीं इदा करो, जे ज़्यादा तो साडा ये है भी झंडा फड़ के असीं प्रोटेस्ट करते हैं, इस टाइम 2-3 घंटे इस टाइम लगा देंगे ने। प्रशासन वालों तो नहीं इत्थे तुहानूं कोई किसी तरह की रोक जां कुछ भी नहीं? प्रशासन वालों कोई रोक टोक नहीं है सानूं। ज़्यादा हुण मैनूं देखण नूं मिलिया कि नौजवान ही आ, सोशल मीडिया तक मैं क्वेश्चन पुछिया सीगा कि सोशल मीडिया ते रौला पिया होया आ कि नौजवान पीढ़ी जिहड़ी हैगी आ संघर्ष दे विचों पिछे हटदी जा रही आ, उहदे बारे की कहना तुहाडा? नहीं ऐ जी तां कोई गल नहीं हैगी, लेकिन जदों हुण थोड़ा कम कार दा सीजन शुरू हो गया, जिदा गर्मी आनी शुरू हो गई, हरेक फसल नूं पानी भी लगदा आ, ते उदा करके कुछ कम कार वास्ते भी मुंडे इत्थे आ गए आ, लेकिन उत्थे भी बहुत ज़्यादा कट है, मैं परसों ही आया जो उत्थों, लेकिन यह जी कोई गल नहीं है कि नौजवान पीढ़ी पिछे हट गई है। नहीं असं तो उतों ही कल राती हजे आए हाँ दिल्ली तो कवर करके सानू तो पता है, बट मैं गल करती सोशल मीडिया से लोग जे अफवाह फैला रहे हैं कि दिल्ली जोड़े है किसान जोड़े आपस आ रहे हैं, नौजवान पीढ़ी जी है बिल्कुल है नहीं गी, बट मैं ये थोड़े को पूछना चाहनी हूँ कि सोशल मीडिया से इदा दफवाह जैल रही कि जेडे पंजाब दे विच नौजवान हैगे आ जां आम पब्लिक हैगी आ उहनां दे विचार भी इही आ? देखो जी, सोशल मीडिया दा तां बहुत कुछ कहिंदा आ, जे उहदी उहदे ते सोशल मीडिया ते जाइए तां साडा प्रोटेस्ट फैल है बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन हकीकत है जो उस टाइम इत्थे है कि बहुत ज़्यादा कट हैगा। उस दिन KMP रोड भी असीं घेरिया है, उत्थे भी कोई घट्टो घट्ट भी 40-45 हज़ार 50 हज़ार के करीब आउंदा सी। उत्थे उत्थे सीगे? हाँ जी हैगे, उत्थे सीगे जी। चलो ठीक आ, शायद उदन असीं तुहानूं मिस कर लिया, आ जाओ जी तुसीं भी थोड़े को। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। साडा नाम? गुरजीत सिंह जी। संगी संगो बहुत है तुसीं? नहीं नहीं है। चलो कोई गल नहीं, की रीजन है? हाँ जी, शर्मीले बहुत लग रहे हैं, की गल है? नहीं चलो प्लेटफॉर्म ते किसी ते गल करना ही समझ नहीं बंदे नु आई, ये क्वालिटी भी पंजाबियों दे विच होनी चाहिए आ, प्रोटेस्ट दा हिस्सा बने आ नौजवान पीढ़ियां, बहुत ही वधिया लगा क्योंकि बजुर्गों के नाल जो साड़ी नौजवान पीढ़ी इदा के कामों के खड़ी होंगी आ, तो बजुर्गों का कहते होंगे खून जोड़ा है 10-10 किलो वध जाता आ। आह प्रोटेस्ट जोड़ा इतने तुम कर रहे हैं तो हम सू नहीं पता कि यह अंदोलन कदों कद चलना, बट तुम इस अपने प्रोटेस्ट में आने वाले समय में कि देखोगे? देखो ये तो एक सिख ही एक तरह दी अगे वास्ते भी कि जिदा पहला असी इनकलाब दे तरह मतलब हिंसा हिंसावादी भी हो जाते थे पहला नौजवान ही, पर एक सिख हैगी हुण अहिंसा नाल जिहड़ा असी ये अंदोलन है जितना ही अगे वास्ते अगे दी पीढ़ी वास्ते भी एक सिख है ही है। हाँ जी, हुण तुसीं कहा कि आने वाली पीढ़ी, हुण आपां जिद्दां गल्लां कर लईए कि पिछले जितने भी संघर्ष सीगे अपने उहनां दे विच आपां कह लईए कि पंजाबियां दा
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਡੁੱਲਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਦਿਸੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨਵਰਸ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 8-8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 8-10 ਬੰਦੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਲੀਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪੀਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਬੇਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਬਟ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਝੰਡੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝੰਡੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਝੰਡਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ
तो इस किसी धर्म विशेष नाल जोड़ के ना देखा जाए। ये अफवाह जिहड़ियां इन्हां नूं नकारिया जाए वध तो वध। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वधिया लगा करके। अपना समर्थन जिहड़ा हैगा इन्हां दिंदे होए जिहड़े जा रहे, देखो भावें ट्रक ड्राइवर आ हर एक ही जिहड़ा आ इन्हां नूं समर्थन करदा जिहड़ा जा रहा आ, अपना योगदान पा रहे आ, समाइल करदे आ, हथ खड़े कर करके सल्यूट कर करके जा रहे आ। देखो जी कारां दे विच समर्थन हो रहा आ इन्हां दा, ते बहुत वधिया गल आ कि जिहड़ी आम पब्लिक हैगी आ जी वह समर्थन कर रही है। मैम इतने यही शाम इतने यही देखने को मिलता कि सानू कम ज़्यादा नहीं तो 80% दुनिया जिन्हों सानू समर्थन देती है, कोई हाथ खड़े करता है, कोई इदा करता है, कोई सानू झंडा दिखाता है। साढ़े नाल इस टाइम पूरे आल इंडिया के 80% दुनिया जी हैगी किसानों हैगी है। सब नू पता है कि भी ये किसान जो भी मारू नीतियाँ इन्होंने अपनाइया उन्होंने देखते दे हुए नुकसान सब का ही होना, कोई कल साडा किसानों का नहीं होना। किसान का औखा सौखा अपनी फसल उगा के कुछ भी करके अपना पेट भर सकता है, लेकिन जी आम जनता आ सारी उन्होंने रिलेटड है किसानों ही, तो नुकसान सब का ही होना जे ये कानून इदा ही बने रह गए। चलो जी बहुत वधिया लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा थोड़ा टाइम लाइए, क्योंकि नौजवान जोड़े है दोस्तों पूरे जोश के नाल नारे लगा रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे लाइव तस्वीर इस प्रोटेस्ट दिया पटियाला रोड दिया लाइट्स जड़िया है, आप एयरपोर्ट रोड भी इनू कह दे दी आ। दोस्तों इदा ही देखते रहो वॉइस ऑफ पंजाब, दिखाते रहेंगे थोड़ा इस संघर्ष दिया लाइव तस्वीर। हुण मैनू देवो इजाजत, सत श्री अकाल दोस्तों।